लोगों को डर लगता है कि अध्यात्म मतलब झूला लेके चले जाना। हाँ जी, तो आप उसको रास्ता बताइए। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है श्रीमद् भगवद गीता, और वो एक ऐसे व्यक्ति को सुनाई जा रही है अर्जुन, जो आगे जाके राजा बनने वाले हैं, और राजा से ज्यादा ऐश्वर्य किसी के पास नहीं होता। एंड द नेक्स्ट अवार्ड बेस्ट क्रिएटर फॉर सोशल चेंज, और इस अवार्ड की विनर है जया किशोरी। Shares stories and teachings from Bhagavad Gita and Ramayana in insightful manner. बहुत बहुत बधाई आपको। चलिए, आपने लोगों को आध्यात्मिक दुनिया की तरफ बड़ी आधुनिक तरीके से रुचि फैलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए कुछ। जी, मैं कथाकार हूँ, श्रीमद् भागवतम करती हूँ और गीता जी के ऊपर बातें करती हूँ, क्योंकि मेरा बचपन इन्हीं चीजों से गुजरा है, और जो बदलाव मुझ में आया है, चाहे शांति, सुकून, खुशी, हर चीज़ को लेकर, और सबसे बड़ी बात, क्योंकि हमारी सोच है कि भगवान से जुड़ना तो बुढ़ापे का काम है, और मुझे लगता है सबसे गलत सोच है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अध्यात्म की ज़रूरत युवाओं को है, और अगर मैं मटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन जी सकती हूँ, तो मुझे लगता है हर युवा जी सकता है। लोगों को डर लगता है कि अध्यात्म मतलब झूला लेके चले जाना। हाँ जी, तो आप उसको रास्ता बताइए। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है श्रीमद् भगवद गीता, और वो एक ऐसे व्यक्ति को सुनाई जा रही है अर्जुन, जो आगे जाके राजा बनने वाले हैं, और राजा से ज्यादा ऐश्वर्य किसी के पास नहीं होता। और गीता में भगवान ने एक बार भी श्री कृष्ण ने नहीं कहा कि राज्य छोड़ दो, बस कहा अपना धर्म पूरा करो जहां भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।